हमारे आत्मदर्शनाजी माता जिनकी दीक्षा 1975 में मद्रास के अंदर चार हमारे ग्रुप की साधियों के साथ दीक्षा उनकी हुई थी। आत्मदर्शनाजी का कल अचानक तो नहीं पर बीमारी थे वो, और आगे चलकर उनकी बीमारी बढ़ती गई और उनके आखिरी सांस कल उनको लेनी पड़ी। ऐसे हमारे आत्मदर्शनाजी अत्यंत गुणवान साध्वी जी थे, सरल मना साध्वी जी थे और दृढ़ धर्मी थे, जिनमें तीन तीन बार नंदी सूत्र करते थे। सतत स्वाध्याय उनका एक लक्ष्य बना रहता था, व्याख्यान कभी चुकाना नहीं है उनका बहुत बड़ा एम होता था। महाराज साहब का व्याख्यान चल रहा है और व्याख्यान सुनना मेरा परम कर्तव्य है, इस तरह से उनकी एक भोली भावना होती थी। हर इसमें वो अंतर में एक तरफ तो पक्के थे धर्म के, दूसरी तरफ सरल बहुत ज्यादा थे और भोले बहुत ज्यादा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा पाप कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी पाप नहीं किया, जैसे ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इस तरह से अपनी चदरिया को, अपने शरीर की चद्दर को उन्होंने निर्मल रखा, निष्कलंक रखा, निष्पाप रखा। ऐसे हमारे आत्मदर्शनाजी माता का कल स्वर्गवास हो गया है और उनके जाने से हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा कमी महसूस हम करेंगे, पर उसके लिए इलाज नहीं है, नियत का जो न्याय होता है उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। उनका आयुष्य उतना ही होगा, इस कारण से कल उनका आयुष्य पूरा हुआ है और हमने उसको स्वीकार किया है। उनका स्थान दूसरा कोई ले नहीं सकता, उनकी जगह वे है और इस तरह से उनके परिवार ने उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। सारे भाई को, सुरेश, मिट्टू भाऊ और बाकी सारे भाई भाभिया सभी ने अपने आत्मदर्शनाजी महाराज साहब की बहुत ज्यादा मनोभाव से सेवा की है। कल सुना है कि बड़ा दान भी उन्होंने दिया है, हॉस्पिटल के लिए 1,00,000 रुपए दिए है और संघ को 1,00,000 रुपए दिए, ऐसा सुना है, पक्की बात मालूम नहीं है, पर कुछ भी हो अपने बहन के पीछे भाइयों ने बहुत ज्यादा किया है। ऐसे भाइयों को धन्यवाद देते हुए अब करुणा भरी नजर से मंगल पाठ सुने। अब नई जीवनी थी, हमने चार लोगों का कौशल तो कल ही कर दिया है क्योंकि आत्मदर्शनाजी भोले बड़े ही थे। मैं, मंगल प्रभा जी और आनंदी भाई, उनका नाम दीक्षा से पहले आनंदी था, हम बहुत साथ में रहे नगर के अंदर और उनके घर कई बार हम जा चुके थे। आज उनकी माता जी है, भाई भतीजों ने बहुत सेवा की है, माता जी नहीं है, भाई भतीजों ने बहुत ज्यादा सेवा की। जो पेन ड्राइव बनाया था उत्तराधर्म सूत्र का, बार बार कहते थे मधुस्मिता जी वो क्या मशीन बनाया ना तुमने, उसका नाम मुझे नहीं आता, वो बारंबार भेजो। दो तीन बार उनको भेजा, 6-6 घंटे स्वाध्याय करते थे। बाकी महासती जी कहते अभी कितो सुनो थानो कान दुखे, मशीन मंगवाई कान के लिए, परंतु उन्होंने स्वाध्याय नहीं छोड़ी। ऐसा दृढ़ धर्म हम सबके अंदर आना चाहिए। भाई और बहनों, कब काल आ जाएगा, कब गर्दन झुक जाएगी कहने सकते, परंतु उन्हें 6-6 घंटे की साधना की, वर्षी तक किया और साधना करके कल वे दिवंगत हुए हैं। उनकी पवित्र आत्मा को हम सबकी ओर से बारंबार वंदन नमस्कार करते हुए आदरांजलि श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं।